हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह हनुमान जी आए हैं। तो सुबह सुबह के टाइम है तो मैं आए हैं, तो मैं सोची आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो इधर बिस्कुट दे रहे हैं, बिस्कुट खा रहा है। तो उसके बाद बिस्कुट खाने के बाद ये वाले हनुमान जी चले जाएंगे, फिर दूसरे वाले आएंगे दुबले दुबले करके, वो आएंगे। तो एक बिस्कुट जब दिया पीछे की तरफ चला गया, तभी वो लेने गए थे, तो उसके बाद वो चले गए बिस्कुट खा के। अभी दूसरा वाला आएंगे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक आप लोग व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है सुबह के टाइम, ग्रीन ग्रीन सा। तो ये आम का पेड़ है और नारियल का पेड़ देख सकते हैं आप लोग, वो तो किसी और का है नारियल का पेड़, और इधर सुपारी का पेड़ है, पान का भी पेड़ है। तो इधर आप लोग व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है सुबह के टाइम, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो इधर आप लोग देख सकते हो ये दूसरे वाले हैं, थोड़ा सा दुबला है आप लोग देख सकते हो, और इसको भी खाने दिए थे बिस्किट। बिस्किट खाने देने के बाद ये खुद से फिर नीचे आ जाते हैं, बिस्किट के डिब्बा खोल के फिर खुद से बिस्किट खाने लगते हैं। लेकिन उस डिब्बे में ज़्यादा बिस्किट नहीं था, थोड़ा छोटा छोटा बिस्किट था टूटा हुआ। तो आप लोग देख सकते हो बिस्किट खा रहे हैं, तो अच्छे से बैठ के खा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो पास करके जूम करके आप लोगों को दिखा रहे, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से खा रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद आए, हमारे इधर आते रहते हैं, 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद ऐसे आते रहते हैं। तो इस बार तो काफ़ी दिनों के बाद आए हैं शायद। तो उसके बाद चलिए फिर उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। तो ये नीचे की तरफ अभी देख रहे हैं, उसके बाद नीचे उतरेंगे। उतरने के बाद डिब्बा खोल के बिस्कुट जो बचा कुचा बिस्किट है थोड़ा थोड़ा वो सब खाने के बाद फिर पानी भी पियेंगे। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, अभी आप लोग देख सकते हो नीचे उतर गए। तो इस तरफ आप लोग देख सकते हो वो जो डिब्बा खोल लिया खुद से ही, खोला दांत से। तो उसके बाद अभी खाएंगे बिस्किट। तो इधर देख सकते हो, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर से निकाल के खाएंगे जो कुछ भी है थोड़ा बचा हुआ खा लेने के बाद। अभी जो इस बकेट में पानी है तो ये बकेट का पानी पीने भी आएंगे, आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखते रहिए, अच्छा लगता है देखने में। तो इधर देखिए आप लोग कैसे करके खड़े होके बाल्टी पकड़ के सर बाल्टी के अंदर करके पानी पी रहे, तो कितना प्यारा लग रहा था देखने में। मैं सोची आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, आप लोग भी देखिए। तो मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ जो इस तरीके से हनुमान जी पानी जो पीते हैं, फर्स्ट टाइम मैं देखी हूँ। तो पानी पी लेने के बाद ऊपर से ऊपर फिर से आ गए हैं, अभी ये भी चले जाएंगे। तो कितने अच्छे से बैठे हुए हैं आप लोग देख सकते हो, और मौसम भी बहुत ही अच्छा मौसम था, ना गर्मी था ना ठंडी था, अच्छा मौसम था, धूप था सुबह सुबह ही। तो चले गए हैं हनुमान जी, तो चले फिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव, तो मैं सोची थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखाती हूँ गांव जाते वक्त। तो उधर घर में हनुमान जी को देख लेने के बाद जो भी काम था, नाश्ता वगैरह खाना वगैरह करने के बाद फिर हम लोग गांव जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो पूजा अभी हम लोग गांव में ही मनाएंगे, तो इसी वजह से अभी गांव जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गांव आने के साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो, व्यू देख के ही आप लोगों को पता चल गया होगा गांव आई हूँ। तो ट्रेन आया था, मैं सोची आप लोगों को भी दिखाती हूँ ट्रेन, और व्यू भी कितना अच्छा लगता है देखने में गांव का। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? हम लोग अभी अभी गांव आए हैं, तो आप लोग देख सकते हो घर देख के आप लोगों को पता चल गया होगा ये गांव का घर है। तो हो गया आधा एक घंटा हो गया हम लोग आए हैं, तो अभी साफ सफाई करना है पूरा। तो आप लोगों से बात करने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो गणेश जी को भी, गांव आने के साथ साथ गणेश जी को भी देखें। तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो जिस लाइन से ट्रेन जाता है उसी लाइन से गणेश जी भी जा रहे हैं, तो मैं सोची आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसके ऊपर फिर आदमी भी बैठे हुए हैं शायद, दो आदमी है पीछे पीछे आदमी, आप लोग बच्चे लोग भी देख सकते हो पीछे पीछे। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो मामी के घर में कितना सारा येलो फूल खिला हुआ था, छोटी वाली मामी के घर। तो
और कितना प्यारा लग रहा था देखने में, तो मैं सोची चलो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं जब देखती हूँ तो आप लोगों को भी दिखाना बनता है। साफ सफाई करने के बाद ये शाम का टाइम है, तो मैं थोड़ा सा चावल चुन रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बना लेने के बाद फिर ये शाम का टाइम है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोगों को भी क्लिप दिखा देती हूँ। हम लोग ज़्यादातर रात को चावल ही खाते दोपहर को और रात को। तो शाम को खाना बना लेने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं की हूँ, तो ये सुबह का टाइम है, लगभग 6 बजे का टाइम है शायद। तो माउंटेन बहुत ही अच्छा प्यारा माउंटेन दिख रहा था, तो मैं सोची आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जब मैं कोई भी चीज़ मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है क्यों ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों को भी पसंद आ सकता है वो चीज़ देखने में। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लगता है। गांव आने के साथ साथ एक माहौल ही अलग सा माहौल है, पूरा ग्रीन ग्रीन सा माहौल हो जाता है, देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो इधर ओस, हम लोग तो ओस बोलते हैं, तो कुआसा जो सुबह के टाइम ठंडी के टाइम जो गिरता है, तो आप लोग देख सकते हो ओस माउंटेन के नीचे आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का सा वाइट वाइट सा। अभी मैं इधर आकर बर्तन धोने के लिए, तो आप लोगों को पता ही होगा मैं रात को बर्तन नहीं धोती हूँ, सुबह बर्तन धोती हूँ। तो चलिए फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ, और आप लोगों को कैसा लगता है मेरे ब्लॉग जरूर बताइएगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। गर्म पानी से घी पूरा पिघल जाएगा, फिर वो पानी फेंकने के बाद फिर साबुन से अच्छे से धो के रख सकते हैं। तो पानी गर्म करने के लिए बिठाई थी, तो पानी गर्म हो गया है, अभी मैं तो पानी निकालूंगी और उसके बाद डिब्बे में भर के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, और जितना घी है सारा घी पिघल जाएगा, उसके बाद मैं धोऊंगी। तो पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म था इसलिए ठंडा पानी भी ली हूँ, और इधर जो प्लास्टिक है सारा प्लास्टिक को मैं निकाल के फेंक दूंगी, ताकि बोतल अच्छे से साफ़ हो जाए और अच्छे से धो पाऊँ। तो मैं नीचे ही बैठ गई, बैठने के बाद बोतल का जितना प्लास्टिक है सारा प्लास्टिक को निकाल दूंगी, और ये सब बोतल फेंकना नहीं चाहिए, अगर हमारा काम होता है तो धो के यूज़ कर सकते हैं बोतलों को। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो गर्म पानी में डाल दी हूँ, और थोड़ा सा हाथ से इसको कर लूँगी, मिला लूँगी, तो जितना घी जमा हुआ है सारा घी निकल जाएगा। तो चलिए फिर धो लेती हूँ मैं बोतल। तो इधर आप लोग देख सकते हो सारा बोतल को मैं धो ली हूँ, धोते वक्त सूट नहीं की थी, तो उसके बाद बोतल धो ली हूँ, और इसको मैं अभी बाहर ही रख दूँगी, सारा जितना पानी है सब पानी निकल जाए। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैं बाहर रखती हूँ, पानी निकल जाएगा सारा। तो इधर पूरा किचन गंदा है, तो मुझे किचन अभी ये साफ़ करना है। ये साफ़ करने के बाद इसके ऊपर मैं बिछाने के लिए प्लास्टिक लेकर आई हूँ, तो अभी मैं बिछाऊंगी, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक मिनट रुकिए। बोतल धो लेने के बाद इधर मैं आ गई हूँ, टेबल को थोड़ा सा साफ़ करूँगी, और उसके बाद इसमें प्लास्टिक बिछाऊंगी, जो
टेबल में बिछाने वाला प्लास्टिक होता है वही प्लास्टिक में लेकर आई हूँ और इधर मैं बिछाऊंगी। तो पहले मैं टेबल को साफ कर लेती हूँ, तो साफ कर लेने के बाद बिछाऊंगी तो अच्छा भी लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो साफ़ कर ली हूँ तो अभी मैं प्लास्टिक लेकर आई हूँ, इसको बिछाऊंगी। 2 मीटर लाई थी तो आधा काट के रख दी हूँ और आधा इसमें बिछाऊंगी, क्योंकि 2 मीटर बहुत बड़ा हो गया था तो इसी वजह से आधा काट के रखी हूँ और आधा इसमें बिछा लूँगी। तो बिछा लेने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए फिर मैं बिछा लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लगता है बिछाने के बाद। तो इधर आप लोग देख सकते हो प्लास्टिक बिछा लेने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही क्लीन सा हो गया है। और तो चलिए फिर आज का वीडियो में यही।